हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर तनवीर खान। हमको जो प्लांट दिखाई दे रहा है इसका नाम है ग्लोरियोसा सुपरबा। ग्लोरियोसा का मीनिंग होता है ग्लोरी और सुपरबा यानी सुपर्ब। इस प्लांट के बहुत सारे कॉमन नेम है, इसको कर्लावी, अग्निशिका, काली हरी इस तरह से कहा जाता है। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ये दूर से इसका फूल जो फ्लेम लाइक दिखाई देता है, इसलिए इसको इंग्लिश में फ्लेम लिली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये प्लांट को पहली बार 1753 में कार लिनियस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में पहली बार लिखा। और ये जो फ्लावर है इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए ये तमिलनाडु स्टेट का स्टेट फ्लावर है और ये नेशनल फ्लावर है जिम्बाब्वे स्टेट का, जिम्बाब्वे का। और इसके अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो इसमें इस तरह से लेंस लाइक लीफ होते हैं और लीन्स लीफ के अपेक्स पे इस तरह से ये टेंडिल फॉर्मेशन होता है, और ये टेंडिल की मदद से ये प्लांट के ऊपर क्लाइम करता है। और इसके अंदर 6 टेपल्स पाए जाते हैं, 6 टेपल्स होते हैं। और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज टाइप का होता है, और उसका जो बेस होता है वो पेल येलोइश होता है। और इसके अंदर 6 स्टामेंस होते हैं, ये 6 स्टामेंस दिखाई दे रहा है जिसमें पोलन ग्रेन होता है ऊपर की तरफ। और इसका पॉलिनेशन जो होता है वो बटरफ्लाई और सनबर्ड्स के ज़रिए इसका पॉलिनेशन होता है। और ये इसकी जो हाइट होती है 3 से 6 मीटर तक की इसकी हाइट होती है प्लांट्स की। अगर इसका हम लोग अगर पूरे वर्ल्ड में इसके टोटल 12 प्रजाति है, 12 स्पीशीज के पाए जाते हैं ग्लोरियोसा के। और इसका फूल अट्रैक्टिव होने की वजह से पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसके फ्लावर्स का फ़ोटो पोस्ट स्टैम्प पे भी प्रिंट करवाया है। और इसके हम अगर मेडिसिनल यूजर्स देखें तो मेडिसिन में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो इसके सीड्स है। इसके सीड्स, ये प्लांट के अंदर, ये टॉक्सिक प्लांट है, इसके फ्रूट में और इसके सीड्स के अंदर और इसके ट्यूबर्स में कोल्चिसिन पाया जाता है। कोल्चिसिन जो है एक तरह का अल्कलॉइड है, टॉक्सिक अल्कलॉइड है। और इसके सीड्स का जो सीड से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ कोल्चिसिन होता है वो यूज़ फॉर गोट अर्थराइटिस के लिए इसके सीड्स का कोल्चिसिन यूज़ किया जाता है। और इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, अभी ट्यूबर्स यहाँ पे है नहीं, ट्यूबर्स नीचे की तरफ है, वो हम जब एक्सट्रैक्ट करें निकालेंगे तब हमको दिखाई देंगे। और इसके ट्यूबर्स का जो इस्तेमाल है होता है इसका पेस्ट बना के स्कॉर्पियन बाइट और सेंटिपिड बाइट के ऊपर इसके ट्यूबर्स का पेस्ट यूज़ किया जाता है। और ये एक टॉक्सिक प्लांट है, एक पॉइजनस प्लांट है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका पॉइजन जो होता थोड़ा डाइल्यूट किया जाता था। वो डाइल्यूट इस तरह करते थे कि जो बटर मिल्क होता है जिसको हम छाछ कहते हैं, और रॉक सॉल्ट जो है जिसको हम सेंधा नमक या काला नमक कहते हैं, उसमें इसके ट्यूबर्स को 2 से 3 दिन रखा जाता था, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो पॉइजनस है दैट इज़ कोल्चिसिन उसकी लेवल थोड़ी कम होती है। और उसके बाद इसको यूज़ किया जाता था गोनोरिया में, स्किन डिसीजेज में और इनफर्टिलिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसके जो ट्यूबर्स है, इसके ट्यूबर्स का जूस जनरली एक्ट एज अ पेन किलर, वो पेन किलर एक्ट करता है, इसलिए जब दांतों में पेन होता है उस समय इसके ट्यूबर का जूस भी यूज़ किया जाता है। और इसका अगर कंजर्वेशन स्टेटस देखे, ये जो ग्लोरियोसा सुपरबा है इसका अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो इंडिया में इट इज़ लीस्ट कंजर्व है। दिस इज़ अबाउट ग्लोरियोसा सुपरबा। थैंक यू।